अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेली रिपोर्ट की वीडियो हम बना रहे थे कि एरियन चार्ज अपनी डेली रिपोर्ट 2FM किस तरह फिट करता है, तो दो पार्ट्स मैंने बनाए। दूसरा पार्ट अचानक से टाइम पूरा हो गया, पता ही नहीं चला, तो वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आए थे, अब रेड और ब्लू कैप्सूल की बात आई। तो रेड और ब्लू कैप्सूल यहाँ पे हम सिर्फ यूज़ लिखेंगे, मतलब गिवन और रिटर्न टेलीशीट में होता है, यहाँ पे यूज़ लिखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप अपने पास रफ में भी टोटल गिवन कर लिया करें टू ए के बैक साइड पे, क्योंकि हमसे डिस्ट्रिक्ट वाले अक्सर मांगते हैं कि आज आपने गिवन कितने किए हैं, तो टेलीशीट या लेदर लेदर जमा नहीं होते। तो इसी टू ए के बैक साइड पे लिख लिया करें कि मेरी आज तीनों टीमों को मैंने टोटल कितने गिवन किए हैं, कितने ऑटोमेटिकली जो यूज़ होंगे, जो बच जाएंगे वो रिटर्न होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तो इस कैंपेन में नहीं है, मैंने शो नहीं किए, तो आप अपनी टेली शीट जिस तरह हमने वैक्सीन का मैंने कहा था कि इससे मैच होना चाहिए टू ए बी की का भी डेटा, तो इसी तरह जो डेटा इधर यूज है होगा कैप्सूल का, सेम टू सेम उधर भी सेम टू सेम यही होना चाहिए टू ए पे। तो मेरे पास कोई नहीं है तो मैं लिख दूंगा ज़ीरो। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नजर आए मैंने एक लाइन लगाई है, ये तो आपको सिर्फ एक हैंड देने के लिए काइंडली इस पर लाइन लगा दिया करें, ताकि टीम एक तो साइन सही करें, जगह उनके लिए सही हो, गलत ना करें ऊपर नीचे, मॉर्निंग का ऊपर कर लें और इवनिंग का नीचे। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी मोबाइल टीम की। ये मैंने एक टीम की रिपोर्ट बनाई, आप इस तरह तमाम मोबाइल टीम की, आप जितनी भी उनकी रिपोर्ट बना के यहाँ पे टोटल कर लेंगे। मैं ज़रा वीडियो को पास करके टोटल करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने टोटल करने के बाद क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टोटलिंग कर ली है, ये देखें जो फिगर यहाँ था ये सेम आ गया। आपको तो सेम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी टीमें होंगी, तो सब टीमों को टोटल करके आप यहाँ पे लिख देंगे। ये तो हो गई मोबाइल टीम की रिपोर्ट। नेक्स्ट हम आएंगे ट्रांजिट टीम की रिपोर्ट पे। तो ट्रांजिट टीम की रिपोर्ट हम कैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टीम टाइप लिखेंगे। आपके पास अगर फिक्स है तो आप यहाँ पे फिक्स लिख दें, मेरे पास ट्रांजिट थी मैंने ट्रांजिट लिख दिया। फिर ट्रांजिट में इमरान के नाम लिख दें कि अकबर है और रशीद है, इस तरह आपके पास जो है अगर वो है तो वो लिख दें, नहीं है तो यहाँ पे टोटल बड़ा करके निर लिख देंगे, मेरे पास कोई टीम भी नहीं है। तो यहाँ जो ये सेक्शन है इसमें मैं लिखता हूँ कि आपके पास टोटल वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन कितने ही हैं, मतलब आज आपकी ट्रांजिट टीम ने कितने चिल्ड्रन वैक्सीनेट किए हैं। मिसाल के तौर पर मेरे टीम ने 12 किए, मैं टोटल बच्चे उनकी टेली शीट पर काउंट कर लूँगा, मैं वो बच्चे इधर लिख दूंगा, 12 बच्चे इन्होंने किए हैं। इनको मैंने वैक्सीन कितनी दी है तो वो मैं लिख दूंगा, मैंने इनको दी थी 20 डोजेज दी थी। याद रखें वैक्सीन डोजेज में लिखेंगे, वैक्सीन जो है वो हम डोजेज में लिखेंगे, वो हम वाइल्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने 20 डोज की, अब इनकी यूज़ कितनी हुई है तो टेली शीट के बैक साइड पे वही बात, ट्रांजिट की भी टेली शीट के बैक साइड पे ये फिगर होता है कि वैक्सीन कितनी दी है डोजेज में, कितनी यूज़ हुई है, कितनी रिटर्न, तो सेम टू सेम वो यहाँ पे लिख देंगे, इसने 13 डोजेज यूज़ की हैं और रिटर्न इसकी हो गई 7। इसके बाद ये तो वैक्सीन का हिसाब हो गया ट्रांजिट टीम का। फिर कहते हैं इनके पास कोई एफपी आया है तो उसका नंबर लिख लें, मतलब एक बच्चा आया है तो एक लिख लें, दो आए हैं दो लिख लें, इसके पास कोई भी नहीं है तो मैंने जीरो लिख दिया। इसी तरह फिर जीरो डोज अगर इस ट्रांजिट टीम के पास आया है तो वो लिख दें, अगर जीरो डोज आया है तो वो लिख दें, अगर नहीं आया तो जीरो लिख दें। मेरे पास ट्रांजिट टीम के पास कोई जीरो डोज नहीं आया, जितने बच्चे आएंगे उतना लिखेंगे, दो बच्चे हैं दो तीन तीन, तो इसी तरह फिर इस टीम के मॉर्निंग और इवनिंग का साइन यहाँ पे कर देंगे, आप नहीं करेंगे टीम से कराएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक हमारी ट्रांजिट टीम की रिपोर्ट हो गई। ठीक है जी, ये भी डन हो गया। अब ये सेक्शन रह गया है, ये सेक्शन देखें, इसमें हमने वैक्सीन का हिसाब लिखना है, कैसे, यहां मोबाइल टीम का वैक्सीन का हिसाब, यहां पे फिक्स का, यहां पे ट्रांजिट का, तो मेरे पास दो ही हैं। तो यहां पे मैंने गिवन कितनी की थी मोबाइल को, टोटल 260 गिवन की थी। ठीक है जी, 230 यूज हुई और 230 यूज हुई और 30 रिटर्न हो गई। ये जो मैंने मोबाइल टीम की टोटलिंग नहीं की थी ये वाली, ये मैंने इधर लिख दी। फिक्स मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो फिक्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जिस तरह आप ट्रांजिट में मैं समझाता हूँ आपको, ये देखें ये वैक्सीन का सेक्शन है, यहाँ पे ट्रांजिट है तो उसका लिख देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने देखे ट्रांजिट कितनी लगी है जी, 20 गिवन की थी, 13 यूज हो गई और 7 रिटर्न हो गई। ये हो गई आपके वैक्सीन का हिसाब, इसको अब जमा कर लेंगे, 280 टोटल हो गई जी। ठीक है जी, यहाँ पे 243 हो गई और यहाँ पे 37 रिटर्न हो गई। ये हो गया हमारे वैक्सीन के हिसाब। ये सेक्शन साइन का है, यहाँ पे एरियन चार्ज का साइन होता है, यहाँ पे यूपेक चेयरमैन का साइन होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी उनके लिंक्स में साथ में दे दूंगा। फिर भी किसी किस्म का भी आपका सवाल हो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर भी है, टिलनार एसएमएस का, टिलनार जोंग दोनों दिए हुए हैं। जिस दोस्त के पास जो भी हो उस पर मुझसे रابطہ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे केचप के बारे में कि केचप का आजकल ये इशू आ रहा है कि हमारे पास कंपेन में डे फोर पे जो स्टिल लेने होते हैं फिर डे फाइव पे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ इलाकों में डे फोर पे भी कंपेन एक्टिविटी होती है तो उसके इन्हें अलहदे से आ जाते हैं, 3 दिनों के स्टिल लेने अलहदे से आ जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उस बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो को देखने के लिए कि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक ही रिक्वेस्ट, काइंडली इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखें, अल्लाह।